उसके बाद थकी है जी, लिसनिंग कह रहा है, एक से लेके दो तक थाम ख्रीमल फोगो, अगली पेंटिंग देख के अलमाजन दुरुस्त थे दबल खुरशियो, आंसर का इंतखाब कीजिए। फोटो है जी, फोटो में देखो जी क्या है, लिसनिंग सुनते हैं पता चलता है जी क्या है। उसको क्या हो गया भाई, चल जा चल जा।26번 EPS 토픽 듣기 1에서 2번 다음 그림을 보고 알맞은 대답을 고르십시오. अगली पेंटिंग देखो और दुरुस्त जवाब दो जी। 1번 1. 작업복을 입었네요. पहले मैं कह रहा जी, छागो बोगल इबन नेओ, काम वाले कपड़े पहने हुए हैं। बिल्कुल जी, काम वाले कपड़े पहने हुए हैं, लग तो रहा है। बाकी दूसरा देखो,작업을 시작했네요. दूसरे में कह रहा जी, छागो बल शीजक नेओ, काम शुरू कर दिया है। नहीं जी। 3. 작업을 하고 있네요. तीसरे में कह रहा है, छागो बल हागो इन्नियो, काम कर रहा है। नहीं। चौथे 작업장에 들어갔네요. में कह रहा है, छागो जांगे, काम वाली जगह पे थ्रो खाने हो, दाखिल हो रहा है। नहीं जी, पहला ऑप्शन दुरुस्त है। दूसरी फोटो में क्या कह रहा है जी, सुनो।2번 1. 단추를 잠그고 있어요. 한추를 잠그고 있어요, 버튼 बंद कर रहा है। नहीं जी, छोड़ दो। दूसरा सुनो, 2. 지퍼를 올리고 있어요. 지퍼를 올리고 있어요, जेप ऊपर कर रहे हैं। नहीं जी, छोड़ दो। तीसरा सुनो, 3. 유니폼을 입고 있어요. यूनिफॉर्मल इपको इसोयो, यूनिफॉर्म पहना हुआ है। बिल्कुल जी। चौथा, 4. 넥타이를 매고 있어요. टाई बांध रहा है जी भाई। यूनिफॉर्मल इप को, 3에서 यूनिफॉर्म तीसरे और चौथे में जवाब चल रहा है। तीसरे में कह रहा है, यूनिफॉर्म इप को ही सोयो, यूनिफॉर्म पहन रहा है। नहीं जी, चौथा ऑप्शन दुरुस्त है। नेक थायरल में को सोयो, टाई बांध रहा है जी, टाई बांधी हुई है। चैप्टर के हिसाब से ये बिल्कुल दुरुस्त है जी, लेकिन पेपर में ऐसा क्लोज क्वेश्चन नहीं आता। या तो यूनिफॉर्म पहना है या टाई। चौथा ऑप्शन दुरुस्त है जी। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में कह रहा है जी, छिलमुनल थको, सवाल सुन के अलमाजन थे दबल खुशियो, दुरुस्त बात का इंतखाब कीजिए। पहले में कह रहा है जी, उल्लन फौरन जिफोरल उलिल को, फौरन जिप ऊपर करूंगा या करता हूँ। दूसरे में कह रहा है, पल्ली जल्दी ओसल खाजे उल्को, कपड़े लेकर आता हूँ, जल्दी कपड़े लेके आता हूँ। चौथे तो में कह रहा है जी, तीसरे में, खुम्बंग आसानी से छागो बोगल इबल गए हो, काम वाले कपड़े पहनूंगा आसानी से, या खुम्बंग खुम्बंग आसानी से काम वाले कपड़े पहनूंगा। चौथे में कह रहा है जी, छेगा मेरा सिंबल जूते, फिलियो छुल गए हो, उधार दे दीजिए, जूते उधार दे दीजिए। जी सुनो, चौथे का क्या होता है? जूते, ठेगा मैं सिंबल जूते, फिलियो का मतलब होता है जी उधार देना, मैं आपको कुछ जूते उधार देता हूँ। हाँ, खुम्बंग का मतलब है जी अभी अभी फौरन, हंगम आसानी से, खुम्बंग का मतलब है जी फौरन अभी, ये दो लफ्ज है जी। कंफ्यूज हो गया था जी मैं। खुम्बंग
खम्बंग का मतलब है जी अभी फौरन, और ये फंग पहले आ जाए और खम बाद में आ जाए, फंगम हो जाए तो इसका मतलब है जी अभी, आसानी से, सॉरी आसानी से। दोबारा जी मैं इसको साथ लिख देता हूँ, ये ये लिखा है तो जी लिखा हुआ हाँ सर खम्बंग। कम भी और पंख का आसानी से इस तरह ही है ना सर। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे ही। अब यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं होगी। सुनो जी क्वेश्चन नंबर 3 सुनो।질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 3번. 잠깐만요. छमकन मानियो, छमकन मानियो, ठहर जाइए, 1 मिनट वेट कीजिए।작업할 때는 작업복에 지퍼를 꼭 올려야 해요. छागो खलते न, काम करते वक्त छागो बुक, काम वाले कपड़ों की जिप हो, जिप कोक उल्लेया दे हो, जरूर ऊपर करनी चाहिए। जी भाई काम करते वक्त कपड़ों की जिप जरूर ऊपर करनी चाहिए, तो क्या जवाब दिया होगा जी उसने? पहला पहला दुरुस्त है जी, सर ओलन फौरन जिप हो उल्लिल को जी ऊपर करूंगा या ऊपर तुलन करता हूं, पहला ऑप्शन दुरुस्त है जी। चौथा पढ़ते हैं, चौथे में कह रहा है जी छेगा मैं आगे समनिदा करूंगा, मैं करूंगा पेपर, जब ये क्वेश्चन आना है तो सवाल शुरू होने से पहले पहले आपने दो ऑप्शन पढ़ देने हैं, जैसे ही लिसनिंग सुनो बाकी दो ऑप्शन भी साथ पढ़ो और जवाब मिल जाएगा इंशाल्लाह। दूसरे में कह रहा है जी नाजुंगे बाद में थाशी हल्के हो, नाजुंगे बाद में थाशी दोबारा उल्गे हो आऊंगा। तीसरे में कह रहा है जी अफरोनन आइंदा छोशिम हल्के हो एहतियात करूंगा। चौथे में कह रहा है क्रोम फिर थामे पक्के सुनिदा, थामे नेक्स्ट अगली दफा मिलेंगे या देखेंगे देखूंगा। ओके लिसनिंग सुनो।4번. 그렇게 크게 이야기하면 그렇게 इस तरह खे ऊंची आवाज में ई आगी हामियन बात करना, ऊंची आवाज में बात करना,다른 사람들에게 피해를 줄수 있어요. 다른 사람에게 दूसरे लोग भी पीहे छुरी से सोयो तंग आएंगे। तीसरा तीसरा ऑप्शन दुरुस्त है जी अफरो आइंदा छोशिम हल्के हो आइंदा एहतियात करूंगा, बिल्कुल जी दुरुस्त जवाब है आइंदा एहतियात करूंगा। दोबारा सुनिए,그렇게 크게 이야기하면 다른 사람들에게 피해를 줄수 있어요. दूसरे आदमी तंग होंगे। ओके शाबाश यार। क्वेश्चन नंबर 5 है जी ई आगिरल थुत को बातचीत सुन के छिलमुने अलमाजन थेरा बल कुछ लियो, सवाल का दुरुस्त जवाब दो। कह रहा जी नामजागा मर्द नामजागा मर्द ई ओसो हल, ई ओसो का मतलब है जी पैरवी करना, पैरवी करने के लिए दूसरा लफ्ज कौन सा हो सकता है जी? फॉलो करना भी हो सकता है, हल करने वाली जरूर करने वाली भी, हिंगदोम रो एक्टिविटी मन्नन कौशल खुशी, दुरुस्त बात का इंतखाब कीजिए। मर्द को कौन सी एक्टिविटी करनी चाहिए उसका इंतखाब कीजिए। पहले मैं कह रहा जी छागो बोगल संदा काम वाले कपड़े खरीदने, या छागो बोगल फोनंदा काम वाले कपड़े उतारना, पहले मैं खरीदने की बात कर रहा है दूसरे में उतारने की बात कर रहा है। छागो बोगल थानचुरल फुंदा काम वाले कपड़ों के बटन खोलना, या छागो बोग थानचुरल छमकुदा काम वाले कपड़ों के बटन बंद करने चाहिए। मर्द को किस बात का ख्याल रखना चाहिए या कौन सा काम जरूर करना चाहिए? लिसनिंग सुनो और जवाब दो जी। 5번. 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. 서한 씨, 원시 왜 작업복 단추를 안 잠갔어요? 왜 작업복 단추를 안 잠갔어요? क्यों काम वाले कपड़ों के बटन बंद नहीं किए? 너무 더워서 좀 풀었어요. 너무 더워서 बहुत गर्मी होने से छम फुरसोयो थोड़ी देर खोले हैं। 더워도 작업복 단추를 풀면 돼요. 더워서 गर्मी होने से छागो बोग काम वाले कपड़ों के
हांचुरल फुल में और आंधे हो, काम वाले कपड़ों के बटन खोलना मना है या ठीक नहीं? क러면 위험하니까 क्रोमियन इस तरह व्योमहानि का खतरा है, इसलिए얼른 잠그세요. फौरन बंद कीजिए। और लंच हमको से और फौरन बंद कीजिए। जी भाई, मर्द को क्या करना चाहिए? तीसरा सर, चौथा ऑप्शन दुरुस्त है जी, चौथा 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 ऑप्शन। हाँ, छागो बोगल थानछुरल छमकुंदा, काम वाले कपड़ों के बटन बंद करने चाहिए। चौथा ऑप्शन दुरुस्त है यार, शाबाश।